जी। तो इसको हम मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करूंगा अभी, तो आपको शेयर करें अभी अभी। जी मुझे बताइए कि स्क्रीन शो हो रही है आप सबको। सर ओके यस सर हो रही है। अच्छा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं इससे पहले कुछ आपके ना कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर के रिलेटेड क्लियर करना चाहूँगा कि बेसिकली सॉफ्टवेयर की क्या टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, तो और जो हम हमारे पास सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं वो किस तरीके से हमारे पास कहाँ कहाँ से होके आते हैं और किस तरीके से इसका बैकग्राउंड क्या है वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर जो है इसमें एक सॉफ्टवेयर जो है वो पेड होता है पहले, यानी कि जिसे हम कंपनी को पे करते हैं उससे परचेज करते हैं, वो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर उन्हें कहा जा सकता है, वो रजिस्ट्रेशन की हमें मिलती है। एक होते हैं ट्रायल सॉफ्टवेयर, ये अगर ये चीज़ें ना आप नोट भी साथ साथ करते रहिएगा। अच्छा एक चीज़ लाजमी जहन में रखिएगा, जो चीज़ आप अपने हाथ से लिख लेंगे वो आपके जहन नशीन रहेगी और आप कभी उसे भूलेंगे नहीं और आपको समझ आ जाएगी उस चीज़ की। तो इसके कॉन्सेप्ट जो है, पॉइंट जो है, ये आप अपने पास राइट ऑन करते जाएं। तो दूसरे हैं ट्रायल सॉफ्टवेयर। ट्रायल सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि इसके अंदर हमें लिमिट दी जाती है, एक लिमिट होती है हमारे पास कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 14 डेज हैं या आपके पास 10 डेज हैं या 7 डेज हैं, इतने डेज आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री में यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर फ्री यूज नहीं होगा बल्कि आपको इसे परचेज करना पड़ेगा, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन की वगैरह या लिंक आपको कंपनी से वो परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद जो आ जाती है सॉफ्टवेयर की कैटेगरी वो हो जाते हैं इसमें हमारे क्रैक सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्रैक सॉफ्टवेयर जो है ये क्रैकर जो है क्रैक करते हैं सॉफ्टवेयर को, और जो हमारे पास आते हैं फिर वो, क्योंकि अब एक सॉफ्टवेयर है उसकी अमाउंट जो है डॉलर्स में है और हमारे कंट्री में पाकिस्तान में क्या है कितने, वो अगर वो सॉफ्टवेयर को परचेज करने में पे कर देंगे तो फिर वो किस तरीके से आगे सीख सकते हैं। तो यही वजह है फिर वो क्रैक सॉफ्टवेयर इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। सॉरी, क्रैकर्स जो है वो सॉफ्टवेयर को ये क्रैक करते हैं, उसके बाद जो है ये हम तक पहुंच जाता है। और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो, फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर है 1 हफ्ता पहले वो लॉन्च हुआ है तो उसे क्रैकर ने फौरी क्रैक कर दिया और अब उसकी कीमत आ रही है $500। अब वो उसे हाफ अमाउंट या 25% अमाउंट पे जो है वो सेल करना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी एक चीज़ चली हुई है। अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है, सारी चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे क्रैकर्स हैं कुछ जो ये चीज़ें कर रहे हैं और हमारी सहूलत के लिए मैं समझता हूँ कि चीज़ें होती हैं ये। और फिर अगली टाइप आ जाती है सॉफ्टवेयर की, वो होते हैं रीपैक सॉफ्टवेयर। रीपैक का मतलब क्या होता है? रीपैक का मतलब होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जिनको दोबारा से पैक किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है उसे आप जब इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन लेआउट शो करता है कि नेक्स्ट करें जी, और इसका ब्लू कलर आ रहा है और इधर आपने रजिस्ट्रेशन नेम देना है या इधर फला कंपनी का नेम लिखा हुआ है। तो रीपैक में हम क्या करेंगे कि वो ब्लू कलर को हम वाइट भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, और जहाँ पे कंपनी नेम मेंशन है वहाँ पे जो है हम उसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। हम पूरे सॉफ्टवेयर को जो है उनकी फाइल्स को वो कर देते हैं, तो वो भी क्रैकर ही काम करते हैं रीपैक का। तो हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर इनकी कॉस्ट को देखा जाए तो वो अफोर्डेबल नहीं होती, तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मंथली और वीकली इनकी पेमेंट होती है। तो कुछ वेबसाइट्स होती हैं कि जहाँ पे आपको ये क्रैक सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं हर तरह के, तो वही एक वेबसाइट आपके सामने मैंने इधर शो की हुई है। एक वेबसाइट का नेम है गेट इनटू पीसी। ठीक है, गेट इनटू पीसी ये वेबसाइट का नेम है, ये अपने पास आप नोट कर लीजिएगा। इस वेबसाइट पे आपको जो है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो है वो मिल जाएंगे, जिस तरह के भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, विंडोज में चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड चाहिए, कैड के रिलेटेड चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको चाहिए, एंटीवायरसेस चाहिए, एजुकेशन सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे ज़्यादा सॉफ्टवेयर का यहाँ पे डाटा जो है मौजूद है। इसके अलावा भी और भी वेबसाइट है जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है और इससे ज़्यादा उसमें फीचर है, लेकिन मैं इसको प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली इसमें से डाउनलोडिंग करता हूँ ज़्यादातर।
और इसके अंदर अब हम क्योंकि एडोब फोटोशॉप 7 को हमने करना है, तो इधर आप जहाँ पे ये लिखा हुआ है सर्च, यहाँ पे आप लिखेंगे एडोब फोटोशॉप 7, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब ये एडोब फोटोशॉप 7 फर्स्ट नंबर पे आपको नजर आ रहा है, एडोब फोटोशॉप 7 फ्री डाउनलोड, आपने इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह विंडो पे शो कर देगा, तो आपने ये लास्ट पे आना है बिल्कुल। इधर मजे की बात यह है कि इधर इंस्टॉलेशन का मेथड भी बताया हुआ है कि आप सॉफ्टवेयर को, हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, उधर इंस्टॉलेशन का तरीकाकार बताया हुआ है, वहाँ से आप देख के भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, जो भी सॉफ्टवेयर आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं उसके बाद जब इंस्टॉल करने हैं तो आपने अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ऑफ कर लेना है, क्योंकि कुछ क्रैक्स ऐसे किए होते हैं कि अगर इंटरनेट ऑन होता है तो वो क्रैक रन नहीं हो पाते, रन ना होने की वजह से वो सॉफ्टवेयर हमारा प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होता, जिसकी वजह से वो हमें ट्रैवल में हमारे सामने शो कर रहा होता है। तो आपने इधर नीचे ये डाउनलोड पे क्लिक कर देना, जब यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, योर रिक्वेस्ट फाइल इज ऑन द वे। तो अभी कुछ टाइम में ये डाउनलोडिंग हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी इसकी। अच्छा, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए हो या मीन्स के कोई अगर आपके सिस्टम का इशू होता है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको मैं गाइड कर दूंगा। अब ये 154 MB की ये फाइल है, इसको हम डाउनलोड, मेरे पास पहले डाउनलोड होके रखी हुई है, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है बताने के लिए यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। जब डाउनलोड हो जाएगी तो ये आपकी डाउनलोड फाइल में शो हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपको मैं इसके इंस्टॉलेशन का जो है मैं बताता हूँ। यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। ये इसमें सर एक छोटा सा क्वेरी है, काइंडली जी 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 ये जिस जी तरह आपने बताया इसको फोटोशॉप 7 को डाउनलोड करने का तरीका, जी ये जो आईडीएम है, आईडीएम भी जी क्या इसी तरह डाउनलोड किया जा सकता है जी जी सर? आईडीएम भी बिल्कुल इसी तरीके से डाउनलोड हो जाएगा, और उसका क्रैक भी उसमें दिया होगा, वो आप इंस्टॉल करेंगे, उसके एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली आप गूगल क्रोम में या जो भी ब्राउजर आप रन कर रहे हैं उसमें आ जाएगी और आप स्टार्ट हो जाएगी। अगर फिर भी कोई इशू होता है तो फिर मैं आपको आईडीएम, मेरे पास आई थिंक अवेलेबल होगा क्रैक में, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। जी, किसी और का कोई जी ग्रेट क्वेश्चन? सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। एक तो सर रहनुमाई फरमाए, मैं मोहम्मद इस्माइल बात कर रहा हूँ कि जी अडोब शॉप ये जो बता रहे हैं फोटोशॉप, जी ये एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है, आईडीएम क्या है और क्रैकर क्या है सर? थैंक यू सर, जी क्योंकि मुझे इसके मतलब नॉलेज नहीं। जी ये एडोब फोटोशॉप ये सॉफ्टवेयर है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक डिजाइनिंग में ये इस्तेमाल होता है, और है तो ग्राफिक डिजाइनिंग के बेशुमार सॉफ्टवेयर हैं जो यूज हो रहे हैं, लेकिन एडोब फोटोशॉप पूरी मैं समझता हूँ हमारी इस वर्ल्ड में यूज हो रहा है, पाकिस्तान में यूज हो रहा है। तो ये इसमें फोटो एडिटिंग वगैरह की जाती है, इसके अंदर आप डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मेन पर्पस इसका एडिटिंग है। कोई भी आप फोटो का बैकग्राउंड कट करना है, कलर करेक्शन करनी है आपने, और तो उसकी रेजोल्यूशन पे फर्क करना है, इसमें जितने भी वर्किंग है लेयर्स पे होती है। इंशाल्लाह ये जब हम अभी स्टार्ट करेंगे इसको तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और आईडीएम भी एक सॉफ्टवेयर है, आईडीएम मीन्स इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, ठीक है। आईडीएम इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ डाउनलोड करने के लिए आप आईडीएम को जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं अपने पास, तो जब भी कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी हो तो उसमें आपको मुश्किल पेश नहीं आती, इजीली बल्कि आईडीएम से वो डाउनलोड हो जाती है, जैसे अभी मैंने ये आपको डाउनलोड करने का तरीका कर बताया। और एप्लीकेशन ये मोबाइल में यूज़ होती हैं आपकी, मोबाइल एप्लीकेशन जो है मोबाइल में जो ऐप्स होती हैं उन्हें एप्लीकेशन बोला जाता है। जी जी थैंक यू सर, रहनुमाई फरमाने का शुक्रिया। क्रैकर के मतलब सर दोबारा रोशन, व्हाट इज क्रैकर? क्रैकर जो सॉफ्टवेयर को क्रैक करते हैं वो क्रैकर्स होते हैं, जैसे हैकर्स होते हैं इसी तरह क्रैकर्स होते हैं। तो ये एक वो सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसको क्रैक करते हैं, हम ये क्रैकर्स कहलाते हैं। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। जी किसी और का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? इसी वेबसाइट से हम मोबाइल फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी मुझे समझ नहीं आया क्या बोला आपने। सर, मोबाइल फोन में फोटोशॉप को डाउनलोड करने के लिए इसी वेबसाइट से हमें डाउनलोड करना नहीं, पड़ेगा? मोबाइल में ऐप्स होती हैं और ऐप्स के लिए वो अलग से वेबसाइट होती हैं, तो मोबाइल में जो है वो फोटोशॉप उस तरीके से वर्किंग नहीं करेगा,
उसके लिए मैं आपको और तरीकाकार बताऊंगा, वो आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए अलग से एक वेबसाइट प्रॉपर होता है, वो मैं आपको उसमें बाद में बताऊंगा फिर ना, क्योंकि अभी ये हमारा फोटोशॉप हम पीसी पे यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने यहीं पे जो है इसको वर्क करना है। फोटोशॉप मोबाइल में जो यूज़ होता है उसकी तो इतनी वर्किंग नहीं, वो जैसे आप आम सिंपल एडिटिंग की ऐप है उस तरीके से वो फीचर शो करता है, मल्टी फीचर उसमें नहीं होते। वो मैं आपको मैं तरीकाकार बता दूंगा, मोबाइल में आप किस तरीके से कर सकते हैं। जी हफ्सा मोहिन, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, आई एम सॉरी जी 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 के। तो इसकी रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगी ना, जो आपने जी स्टार्ट जी की है जी और सारा ना? जी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलें हम आगे चलते हैं, हमने डाउनलोड कर लिया उसको, अब नेक्स्ट मैं आपको जो है उसमें डाउनलोड जो किया वाली। ये सर साहब, ये जो इस वक्त हम इसको डाउनलोड कर रहे होंगे फोटोशॉप 7 को, जी उसमें जी हमने इस सॉफ्टवेयर के लिए तो हमने इंटरनेट की कनेक्टिविटी उसको थोड़ी देर के लिए पॉज तो नहीं करना? नहीं, वो जरूरी नहीं है, इसके लिए जरूरी नहीं होगी। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो इशू करते हैं तो तब आपको उसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये मेरे पास डाउनलोड हो गया था, तो इसको जो है अब आपने डबल क्लिक करेंगे, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। यस करना है आपने। अच्छा, जब आप गेट इनटू पीसी से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो वो आपसे जो है उसकी जब उसे ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे की मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। वो पासवर्ड ऊपर ही मेंशन होता है, 123 पासवर्ड होता है। वो आपने परेशान नहीं हो जाना कि अब पासवर्ड क्या है, वो 123 पासवर्ड होगा बिल्डर का, तो वो आप लगाएंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ये फोल्डर आ जाएगा रो फोटोशॉप 7, डबल क्लिक करेंगे इस पर। तो इधर अब समझने वाली चीज़ ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है तो उसके अंदर एक एक फाइल होती है, सेटअप ई एक्स ई जो फाइल है ना, वो इंस्टॉलेशन फाइल होती है आपकी। वो आपने इधर तलाश करनी है कि यहाँ पे exe फाइल कौन सी है। अगर मैं नीचे आके देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप exe, नज़र आ रहा है ना आप सबको? जी सर, नजर आ रहा था। ये आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आप इसकी पहचान। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन मैं आपको मेथड जो है इसका समझा रहा हूँ। इधर से आप नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, एक्सेप्ट। अब यहाँ पे जो है आपने कोई भी आपकी अगर कंपनी है तो उसका टाइटल दे दें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ये जो इन्होंने डाटा पूछा है ये आप इधर कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। कुछ ना भी लिखें तो सिंपल आप कोई अल्फाबेट लिख दें, वो कोई इशू नहीं। अहम चीज़ ये है कि नीचे इसके सीरियल नंबर आपने मेंशन करना। सीरियल नंबर देने के लिए सीरियल नंबर वहीं पे दिया होगा जहाँ पे आपने सेटअप की फाइल आपकी पढ़ी थी। अगर उसके ऊपर आप गौर से देखें तो वहाँ पे मेंशन होगा सीरियल नंबर जो आपने डाउनलोड किया होगा, वहाँ पे ये सीरियल नंबर का एक फोल्डर लाजमी मौजूद होगा। आपने इस पर डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे फोटोशॉप सीरियल की ये ऊपर लिखा होगा, तो आपने सिर्फ सीरियल कीज कॉपी करनी है, इसमें कोई स्पेस कॉपी नहीं होना चाहिए आपको। तो इसे आप कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, पहले सेलेक्ट करने के बाद तीर को राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। कॉपी की शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+C। कॉपी कर लिया और अब अगेन हम वहीं पे आ जाएंगे जो हमारी इंस्टॉलेशन की जगह, यहाँ पे आप सीरियल की जो है पेस्ट कर देंगे, आप ये ऑटोमेटिकली फुल जो है वो पेस्ट कर देगा। जब सीरियल की आप सीरियल नंबर ऐड कर देंगे, नेक्स्ट कर देना यहाँ से आपने और यस कर देना। अब ये आपसे पूछ रहे हैं आपने इंस्टॉलेशन कैसी करनी है, टिपिकल या कस्टम? आपने टिपिकल पे ही रखना है, कस्टम वगैरह पे नहीं आना। कस्टम में ये होता है कि कोई स्पेसिफिक यूजर को आप इसमें एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन हमने जो है अपने सिस्टम के लिए यूज़ करना है, इसलिए हम टिपिकल को ही करेंगे। नेक्स्ट कर देना, आपने नेक्स्ट करना है यहाँ से, नेक्स्ट, किसी चीज़ को नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली जो आप ये कंप्लीट कर देंगे।
ये 2 मिनट या 3 मिनट आपके ले जाते, प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा। अभी क्योंकि मैंने प्रोसेसिंग पे ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो और भी लगाए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम दे रहा है, नहीं तो ये जल्दी हो जाता है। ये इंस्टॉल हो गया, आपने फिनिश कर देना। ओके, ये डायलॉग नया एक ओपन कर देगा, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे होंगे फोटोशॉप की, तो आप इसे क्लोज कर दें। तो आपने वो भी क्लोज किया है सबको, मिनिमाइज कर दिया इसको, करना जो है आप लोग स्टार्ट मैनेजर हैं, तो यहाँ पे फोटोशॉप आपका इंस्टॉल हो गया। मैं क्लिक करूंगा, विंडोज अगर आप यूज कर रहे हैं तो विंडो में ये स्टार्ट बटन होता है, और यहाँ पे आप प्रोग्राम कोई भी सर्च करते हैं, इंस्टॉल हुआ आपके पास तो वो आपके सामने शो हो जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो फोटोशॉप 7, तो आपके सामने खुल गया। ये आपके सामने इसका स्क्रीन लेआउट आ गया एडोब फोटोशॉप का। जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी जी हेलो जी जी हेलो सर, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आपकी? जी सर, आप एडोब फोटोशॉप 7 यूज़ कर रहे हैं, CS वर्जन? अगर CC यूज़ कर रहे हैं तो जी, वो क्योंकि अभी 7 इसलिए यूज किया है क्योंकि इधर ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो बेसिक बिल्कुल उनका है, उन्हें कुछ इसमें आइडिया नहीं है। तो अगर 7 CC भी करवाऊंगा, ये नहीं CC नहीं होना, CC भी होगा, अच्छा 7 के कुछ टूल्स करवाने के बाद मैं साथ ही एडोब फोटोशॉप CC उसके इंस्टॉलेशन भी आपको बता दूंगा और वो भी आपको स्टार्ट करवा दूंगा। क्योंकि ये बेसिक है, अगर बेसिक चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं फिर एडवांस लेवल करना आसान हो जाता है। अगर अभी से मैं वो करूँगा तो उसमें कुछ ऐसे टूल्स टिपिकल से हैं जो कंफ्यूज करेंगे, बिल्कुल जीरो जो स्टूडेंट है जिनको आइडिया नहीं है अभी, तो वो भी मैं स्टार्ट करवाऊंगा, लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, वो इशू में वो होगा चलो ठीक है इंशाल्लाह। सर, हाँ, वो स्टार्ट होगा ठीक है सर, आपका। ठीक एडवांस है में सर, हम थैंक जाएंगे, यू। एडोब CC का जो लेटेस्ट वर्जन आया वो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, ये किसी और का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक समझ आ गई है सबको? प्लीज फीडबैक दें अपना। जी क्लियर है सर, थैंक यू। सर, आप ये रिवाइज कर दीजिएगा एक दफा ना, जब क्लोजिंग पे आएंगे ना। जी, मैं ये रिकॉर्ड हो चुका है तो रिकॉर्डिंग मैं इसकी ना प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अगर फिर कोई इशू होता है तो वो मुझे आप पूछ लीजिएगा, मैं इंस्टॉलेशन में आपको ना गाइड कर दूंगा वो कुछ, क्योंकि अभी वो प्रॉपरली जो है अभी हमारे पास जो है तकरीबन 1 मिनट बाकी है। और सेकंड, मैंने आपसे बात ये करनी थी कि LMS का जो हमारा है वो वर्किंग में है, आप जो जो स्टूडेंट्स जिनकी फी वगैरह सबमिट हो रही है उनका वो वर्किंग में आ चुका है सबका, तो इसलिए जो जिनकी फी वगैरह पेंडिंग रहेगी, क्योंकि हमारा ये एक प्रोसेस है, अब उस प्रोसेस से सब गुजरेंगे तो वो फिर हमें लॉगिन आईडी और उनको पासवर्ड जो है मिलता जाएगा। जो स्टूडेंट की फी वगैरह सबमिट हो रही है वो आगे CIT को जाएगी और फिर वो उनकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होंगे, तो जो स्टूडेंट जो रह गए हैं वो कल तक अपने वो फी वगैरह ड्यू जो है क्लियर कर दें, तो कल फिर उन्हें ये हो जाएगा। जब हमारा फिर ये प्रॉपर हो जाएगा, एक 2 दिन लगेंगे इसमें, उसके बाद फिर हम LMS पे क्लास हमारी होगी। तब तक जो है जूम पे मैंने इसलिए किया है कि प्रीवियस ग्रुप में भी शेयर कर दिया, लिंक ओरिजिनल भी कर दिया, ताकि कोई स्टूडेंट अगर कल डेमो सेशन नहीं ले सके तो उनको भी आइडिया हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। तो इनशाला बिल्कुल बेसिक टू एडवांस होगा, जीरो टू हीरो होगा। मेरी कोशिश यही होगी कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको करवाया जाए, कोई डाउट इसमें हो तो वो क्लियर किया जाए।